खरपुचू से तकरीबन कोई 20 मिनट का ट्रैक है और खरपुचू फोर्ट में हम यहाँ पर आए, तो यहाँ पर ना मेरी एक चाचा जी से मुलाकात हुई है जिनके बारे में मुझे पता लगा तकरीबन पिछले 27 साल से वो यहाँ पर रहायश पजीर है इस खरपुचू फोर्ट के अंदर, इस कमरे में, मोहम्मद अली अगर आपको कमरा दिखा सके इस कमरे के अंदर, और आपको पता हो कि पाकिस्तान का ठंडा तरीन शहर है स्कर्दु, जिसका 1994 के अंदर दर्जा हरारत -24.5 रिकॉर्ड किया गया था, और ये चाचा जी सर्दियां गर्मियां उन्होंने यहाँ पे गुजारी, आपको मुलाकात करवाते हैं चाचा जी से। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी कैसी तबीयत है? मुझे पास आए, पास आए, चाचा जी के पास रहे। चाचा जी 27 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या वजह है खरपुचू वाला की खंडर खंडा है ये? तो खरपुचू ये है जनाब, खरपुचू जंग के लिए बनाया है, बैठने के लिए नहीं बनाया है, जंग के लिए। हाँ हाँ, ये दिफा के लिए बनाया है। खरपुचो इधर स्कर्दो से कश्मीर से लेकर चतर तक फतह किया है खरपुचो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये खरपुचो को भी दिफा के लिए बनाया है, बैठने के लिए नहीं बनाया। तो सर्दियों में कैसे तो जंग थे यहाँ पे? बस सर्दी में बंदा आते है नहीं आते है कोई फर्क नहीं है, मेरे डिप्टी का। अच्छा, मेरे काम ठंड ठंड तो माशाल्लाह पे अभी इतनी है, तो सर्दियों में कितनी होती है? ठंड भी वो भी है। अच्छा, बड़ी बड़ी हिम्मत वाले आप, यकीन जाने मिलके बड़ा ही अच्छा लगा आपसे। नौकरी नहीं करना चाहते क्योंकि इनको डर है कि रिश्वत लेनी पड़ेगी, और रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जन्मी है, इसलिए वो जाती तौर पे इधर आके नौकरी ड्यूटी दे रहे हैं। चाचा जी आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, और जो भी यहाँ पे खरपुचू फोर्ट है एक नशीहत याद रखे, चाचा जी को फल बड़े पसंद है, तो अपने साथ फल लाजमी लेके आ रहे हैं। मुझसे गलती हो गई, मैं लेके नहीं आ सका, लेकिन मैं कल कोशिश करूंगा कि स्कर्दू से चाचा जी के साथ इधर ही बैठ के तरबूज खाए। मैं चाचा जी